हाय गाइस, आई एम नम्रता चौकसे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 9 ऐसे स्टॉक्स बताने वाली हूं जिनमें प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन रिस्क कम है। यानी कि ये जो स्टॉक है इनमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है लेकिन ये जो स्टॉक है वो आपको रिटर्न काफी अच्छा बनाकर देंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जाने माने स्टॉक है और काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो हम उन स्टॉक्स के बारे में जाने, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो चलिए जानते हैं हमारे उन 9 स्टॉक्स के बारे में जिनमें प्रॉफिट ज्यादा देखने को मिलेगा लेकिन इनमें रिस्क जो है वो काफी कम हो जाता है। तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक। ये दिग्गज बैंकिंग स्टॉक है। बैंक के कॉरपोरेट लोन बुक में काफी अच्छी ग्रोथ नजर आई है। बैंक के लोन की एसेट क्वालिटी जो है वो स्टेबल है, इसलिए इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। इस दिग्गज ITI कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए और ये जो स्टॉक है इसमें 1400 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये जो स्टॉक है इस कंपनी के Q1 FY22 के रिजल्ट्स जो है वो काफी अच्छे आए हैं। Q1 में कंपनी की $81.5 करोड़ की मजबूत डील पाइपलाइन दिखी है। कंपनी को ब्रैंड स्केल के एक्वायरमेंट का फायदा मिलेगा। ब्रैंड स्केल INC कंपनी डाटा एनालिटिक्स में है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो क्लाउड कंसल्टिंग में भी है। वहीं कंपनी AI क्लाउड सेगमेंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। इसके अलावा जो स्टॉक है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। इसमें 6 से 9 महीने के टाइम पीरियड में ₹1000 का लक्ष्य देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो कंपनी है इसकी मार्केट में काफी मजबूत पकड़ हो रही है। इसके अलावा कंपनी जो है वो अपनी कैपेसिटी का विस्तार कर रही है। कंपनी को क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए मॉलिक्यूलर लॉन्च से फायदा होगा। वहीं कंपनी का जो है वो फायदेमंद रिटेल कारोबार पर फोकस बढ़ा है और ये खर्च घटाने के लिए जो है वो अपने कदम उठा रही है। इसके अलावा जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट। इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। ये जो है वो दिग्गज पेंट शेयर है। इस समय डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इस स्टॉक में हाउसिंग सेगमेंट में सुधार का फायदा दिखेगा। वहीं कच्चे तेल में नरमी से मार्जिन में सुधार आएगा। इसके आगे भी रियल्टी सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद बनी हुई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है दीपक न्यूट्रेट। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। ये जो स्टॉक है वो पहली तिमाही। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है, ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में। और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कंपनी के काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। कंपनी का Q1 में सेल्स जो है वो 126% और प्रॉफिट 205% बढ़ा है। वहीं कंपनी विदेशों में भी कारोबार फैला रही है। इसके तहत कंपनी US, UK, चीन, यूरोप में जमने की कोशिश कर रही है। इस कंपनी का करीब 30 देशों में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा कंपनी जो है वो लगातार नए मार्केट की तलाश में है। वहीं देश के अंदर भी कंपनी का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है L&T। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में खरीदारी करने पर 6 से 9 महीनों में इसमें 1800 का टारगेट देखने को मिलेगा। कंपनी नॉन कोर बिजनेस से बाहर निकली है। अब कंपनी के कैश फ्लो और रिटर्न रेशियो में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही मजबूत ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन में सुधार हो रहा है। कंपनी के हाइड्रोकार्बन में कैपेक्स विस्तार जो है वो लगातार कंटिन्यू है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है ITC। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक की पहली तिमाही में सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 33% रही। कंपनी के FMCG बिजनेस मार्जिन में सुधार हुआ है। वहीं अनलॉक की वजह से होटल बिजनेस में भी रिकवरी आई है, इसलिए इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा 9th स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये जो स्टॉक है वो सीमेंट सेक्टर की काफी दिग्गज कंपनी है। इस स्टॉक में 8900 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी में Q1 के रिजल्ट अच्छे पेश किए हैं। कंपनी की Q1 में आय जो है वो 55.6% बढ़ी है। कंपनी द्वारा FY23 तक जो है वो डेब्ट फ्री होने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के सीमेंट की मांग में जबरदस्त उछाल नजर आया है, इसलिए ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में मजबूत कैश फ्लो की उम्मीद है। और इस समय उत्तर और पूर्वी भारत में सीमेंट की मांग में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। कंपनी को रूरल हाउसिंग सेगमेंट में सुधार का फायदा मिलेगा। इसके अलावा अच्छा मानसून और ऊंची खरीफ MSP का भी इस स्टॉक को फायदा देखने को मिलेगा। तो ये वो 9 स्टॉक हैं जो काफी जाने माने स्टॉक्स हैं, लेकिन ये जो स्टॉक है ये रिटर्न तो काफी अच्छा देंगे लेकिन ये जो स्टॉक्स हैं इन स्टॉक्स में रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनमें रिस्क कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। तो होपली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।